मित्रों जय माँ शारदे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कब है घनगौर पूजा, तो इस बार घनगौर पूजा पर बन रहे हैं 3 शुभ योग। जाने शुभ मुहूर्त और महिलाएं पति से छिपा कर क्यों करती हैं व्रत पूजन। आप लोग जानते हैं कि घनगौर पूजा हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। और इस व्रत की विशेषता ये है कि महिलाएं इसे गुप्त रूप से करती हैं। घनगौर व्रत की पूजा अविभावित युक्तियां भी करती हैं, इसलिए करती हैं ताकि उनको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो सके। तो इस बार घनगौर पूजा पे बन रहा है 3 शुभ योग। तो जानते हैं वो कौन से 3 शुभ योग हैं और इसकी शुभ मुहूर्त क्या है, कब है घनगौर की पूजा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो 10 अप्रैल को शाम 5:32 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन जो होगा वो 11 अप्रैल को दोपहर 3:03 तक रहेगा। उदया तिथि लगने के कारण घनगौर की पूजा जो भी महिलाएं करेंगी ये 11 अप्रैल को करनी है, दिन गुरुवार को। हम आपको बता दें कि घनगौर पूजा उत्तर प्रदेश में कम और ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और MP में मनाया जाने वाला पर्व है जो बहुत ही धूमधाम से महिलाएं मनाती हैं। घनगौर पूजा पे बनेंगे 3 शुभ योग। 11 अप्रैल को घनगौर पूजा में 3 योग बन रहे हैं। सबसे पहला योग बन रहा है रवि योग, दूसरा है प्रीति योग और तीसरा है आयुष्मान योग। रवि योग प्रातः 6 AM पर शुरू हो जाएगा और 12 अप्रैल को प्रातः 1:38 AM तक रहेगा। वहीं प्रीति योग सुबह 7:19 AM पर शुरू हो जाएगा और उसके बाद आयुष्मान योग लगेगा जो 12 अप्रैल को 4:30 तक रहेगा। ये बहुत ही सौभाग्यशाली योग बन रहा है। घनगौर पूजा 2024 का शुभ चौघड़िया योग कब बन रहा है, 4 सामान्य है जिसमें कि 6:06 AM पर शुरू हो जाएगा और 7:48 AM तक रहेगा। लाभ उन्नति योग है तो 7:41 से शुरू हो जाएगा जो 9:15 तक रहेगा। उसके बाद अमृत सर्वोत्तम योग है जो 9:15 से शुरू होकर के 10:49 तक रहेगा। फिर उसके बाद शुभ उत्तम योग है जो 12:24 से शुरू होकर के PM से 1:30 तक रहेगा। वहीं सामान्य योग जो रहेगा वो 5:07 पर प्रारंभ होगा और 6:41 तक रहेगा। महिलाएं छिपाकर क्यों करती हैं घनगौर व्रत की पूजा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती भगवान शिव के लिए व्रत और पूजा की थी, लेकिन वो भोलेनाथ से इसके बारे में बताना नहीं चाहती थी। शिव जी ने काफी प्रयास किया ताकि पार्वती जी उन्हें बता दें, लेकिन माँ पार्वती जी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। वो गुप्त रूप से ये व्रत करना चाहती थी। इस वजह से हर साल महिलाएं घनगौर व्रत की पूजा अपने पति से छिपाकर करती हैं। यहाँ की इस व्रत की पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद भी पति को खिलाने के लिए नहीं देती है। घनगौर पूजा, घनगौर पूजा का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है गौरी, इसलिए इस व्रत को भगवान शिव और माता पार्वती पूजा करते हैं। शिव और गौरी की पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती और सुखी दंपत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। तो ये थी घनगौर की पूजा। नमस्कार।